पोहे और बेसन से बहुत ही यूनिक और अलग तरह का नाश्ता। उसके लिए मैंने लिए ये 3 चम्मच बेसन और इसमें मैं डाल दूंगी 1 चुटकी सिर्फ हल्दी, ज़्यादा नहीं और कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ हल्दी। और अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक गाढ़ा घोल तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा। देखिए इस तरह का हमारा घोल तैयार हो गया है। और इस वाले नाश्ते में सबसे अच्छी बात है, इसमें हमें पोहा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे रख देते हैं लगभग 5 मिनट के लिए, तब तक आगे की तैयारी करते हैं। अब मैंने ले लिए 4 उबले हुए आलू और इन्हें ना हम ग्रेट नहीं करेंगे, ये इस तरह से मैशर ले लेंगे और इससे अच्छे से इसे मैश कर लेंगे, जिससे कि कोई भी इसमें गुठली ना रहे, अच्छे से दबाते हुए। और आलू ना पूरी तरह से ठंडे कर लेंगे, गर्म आलू ना यूज़ करें। अगर अभी उबाले हैं तो उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में छोड़ दें। इस तरह से अच्छे से मैं मैश कर लेती हूँ, ये देखिए। अब हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ वेजिटेबल्स। ये मैंने 1 गाजर इसे भी ग्रेट कर लिया है, साथ में मैं डाल दूंगी 1 छोटी सी प्याज, थोड़ी सी मटर, ये फ्रोजन मटर है, अभी वैसी मटर नहीं है। और इसमें मेरे पास बीन्स थी तो मैं यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास स्वीट कॉर्न है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, ये भी डाल देती हूँ। साथ में कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच मैंने अजवाइन ली है, क्योंकि आलू रहता है ना तो कभी कभी पेट के लिए थोड़ा सा बच्चों को या बड़ों को प्रॉब्लम ना हो। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम उसी मैशर से इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मैश कर लेते हैं। इसी मैशर से हम ये सब चीज़ें ना इस तरह से मैश कर लेंगे, जिससे कि मटर वगैरह जो है हमारी, ये भी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए आलू में। तो मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इनमें सब चीज़ों को। और अभी इसमें हम नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नमक डाल देंगे तो सब्जियाँ हमारी एकदम से पानी छोड़ देंगी। ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैं कर लेती हूँ, सब अच्छे से मैश हो गया। अब इसे हम निकाल देते हैं। अब इस समय मैं डाल देती हूँ इसमें 1 कटोरी पोहा, ये भीगा हुआ पोहा नहीं है, नॉर्मल पोहा है, तो ये डाल देती हूँ। इसमें हम डाल देते हैं ये पोहा। इस समय मैं इसमें डाल देती हूँ ये हमने बेसन का जो घोल तैयार करा था, ये। और इसी समय मैं डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारा पोहा भी इसी में मिक्स हो जाए। ये देखिए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, बेसन और इन सब चीज़ों को। और पोहा हमने इसलिए नहीं भिगोया क्योंकि जो हमारी सब्जियाँ हैं ना वो भी थोड़ा पानी छोड़ेंगी, थोड़ा हमारा बेसन भी थोड़ा सा मैंने उसका घोल बनाया है, तो इसलिए बेसन भी उसे भिगोने की ज़रूरत नहीं है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा पूरा, ये जितना भी हमारा सब्जियाँ और बेसन था। अब हम इसे कम से कम 5 मिनट रेस्ट पे रख देते हैं, जिससे कि हमारा पोहा भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जो सब्जियाँ पानी छोड़ेंगी उससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हम इसे ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। अब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए हमारा ये डो भी ना टाइट सा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से छोटे छोटे पीस लेंगे इस तरह से, और हाथों में ना थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। और शेप आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, अगर आपको गोल चाहिए तो गोल कर सकते हैं, अगर आपको और कोई शेप का चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये ना थोड़ा सा पतला ही रखना, इस तरह से ज़्यादा मोटी टिक्की सी नहीं बनाना, ये मैं बता रही हूँ आपको, दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए इतनी। और अब हम क्या करेंगे, इसे ना इसे किसी में हमें डिप करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम लेंगे इस तरह से ब्रेड क्रम्ब, और ब्रेड क्रम्ब पे इस तरह इसे कोटिंग कर देंगे। इससे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, पर इससे इसका खस्तापन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ। ये देखिए अब मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, और ये ना ज़्यादा हल्की आँच पर ना ज़्यादा तेज़, मीडियम आँच पर हमें इन्हें फ्राई करना है। और इस तरह से हम एक एक डालेंगे, और जितने आराम से आए
उतना ही हमें इसमें डालना है। हम एक चम्मच की मदद से इनको पलट देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आ रहा है इसके ऊपर। अब पलट के दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन करेंगे और अब इसकी फ्लेम में कर दूंगी लो फ्लेम पे, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत तेज गर्म है। तो अब लो फ्लेम पे अच्छे से हम गोल्डन कर लेते हैं। देखिए अच्छे से गोल्डन हो गए, मैं पास से दिखाती हूँ कितना अच्छा कलर आया। और बहुत ही क्रिस्पी ये बनके तैयार होती है इस तरह से, और नहीं फटती भी नहीं है। हम निकाल लेते हैं और सर्व करते हैं। अब हमारी बहुत ही अमेजिंग कटलेट बनके तैयार है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।